कल एक स्टूडेंट आया यहाँ पे, स्विगी में डिलीवरी करता था, और जैसे मेरी गाड़ी देखी अंदर घुसते हुए तो भागा भागा आया कि सर मुझे नहीं पता था आप यहाँ रहते हैं, मैं स्विगी में काम। हम जब मिडिल क्लास से मेरे भाई आते हैं तो उतना बड़ा सपना नहीं रहता है हमारा कि इतना जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे मन में बस इतना था कभी उस हाथ को देख के और तब सोचना कि यार हमारा हस्तिति क्या होता था, लाइब्रेरी में आराम से मूवी चला लेंगे, गदर 2 रिलीज हुआ है इसको देखे बिना माने नहीं सकते हैं। देखते रहिए, जैसे मैथ्स का मैं आपको क्लास करा रहा हूँ वैसे ही सभी टीचर्स हमारे जो हैं आपको लिए आरजी रैंकस गुरुकुल पर जो है क्लासेस करा रहे हैं फ्री में यूट्यूब पर, फाउंडेशन बैच। रीजनिंग में विक्रमजीत सर हो गए, इंग्लिश में प्रशांत सर हो गए, मैथ्स से मैं हो गया, जीएस में शिवान सर, नीतू ढाका मैडम, पुष्पेंद्र सर, सभी ये क्लासेस को बढ़िया तरीके से आप अटेंड करिए। सभी जितना वो पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपर सीखिए। जो जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। ये सिलेक्शन के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होगा। अकेले एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये बात अपने जहन में डाल के रखिएगा। कोई टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं है, कोई टॉपिक अगर आपका वीक है, तो आपको उसको पढ़ना है और अपने सपने को पूरा करना है, और ये किसी भी हाल में अपने मन में आपको बांध के रखना है, ठीक है। थोड़ी मेहनत कम कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरीके से करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन लेने के लिए 12 घंटे पढ़ा जाए, 8 घंटे में भी सिलेक्शन होता है, लेकिन वो 8 घंटे ऐसा हो कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम दुनिया की फालतू की बातें सोचें ही ना, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। मैं पढ़ाने को यहाँ 2 घंटे पढ़ाऊँ, इरेलीवेंट सी बातें करूँ, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कराऊँ बकवास हो, वो पढ़ाना पढ़ाना नहीं होता। आप 1 घंटे की क्लास लो, क्वालिटी कंटेंट दो, बच्चे को पूरा समझ में आए, वो भी एट द एंड फील करे आज हम कुछ सीख के जा रहे हैं क्लास में, वो आता है। तो कई लोग 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करते तो हैं, लेकिन बस वो मेरे भाई वो तैयारी ही करते हैं। जैसे कहता नहीं है वो एक लाइन है ना कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं, तो मेरे भाई होते ही हैं। मौजूदगी आपकी कम से कम लोगों को बताए, मौजूद कराए, हाँ फील कराए, तो वो असली प्रेजेंस आपका कहलाता है कि हाँ भैया तुम जिंदा हो, ठीक है। तो वाली बात है, मेहनत करो, थोड़ा सा तरीके से करो, आगे बढ़ो। यार देखो, बहुत मुश्किल से मैं कहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आप अभी कितने खुशनसीब हैं कि आपके माँ बाप आपको पैसा देके शहर में भेजते हैं, तो कभी भी एक काम करना छोटा सा, ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होंगे, एसी का एकदम हवा मिल रहा होगा, चिल्ड एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइमली रूम रेंट देते होंगे, टाइमली अपना लाइब्रेरी का रेंट देते होंगे, खाने का मिल जाता होगा सब कुछ। किसी एक दिन अपने घर जाना, जब छुट्टियों में जाना, तो अपने पापा के हाथ को ऐसे अपने हाथ में लेके देखना, ठीक है। कितने थोड़े से उनके हाथ में फोड़े होंगे, ठीक है, उनकी हाथ कितनी कठोर होगी, आपके हाथ जो होंगे वो कितने मुलायम होंगे। कभी उस हाथ को देख के और तब सोचना कि यार हमारा हस्तिति क्या होता था, लाइब्रेरी में आराम से मूवी चला लेंगे, गदर 2 रिलीज़ हुआ है इसको देखे बिना मान ही नहीं सकते हैं, और एकदम इसी में ऐसे एक चेयर पे ऐसे 2 पैर फैला लेंगे, एकदम ऐसे सोन के ईयरफोन लगा के एकदम मूवी देख रहे होंगे। आपकी स्थिति एक तरफ ऐसी होती है, और दूसरी तरफ वहाँ पर ये होती है कि अगले महीने बेटे को पैसे भेजना है, तो अब किससे कर्जे उधार लेके दूँ, ये होता है। कल एक स्टूडेंट आया यहाँ पे, स्विगी में डिलीवरी करता था, और जैसे मेरी गाड़ी देखी अंदर घुसते हुए तो भागा भागा आया कि सर मुझे नहीं पता था आप यहाँ रहते हैं, मैं स्विगी में काम करता हूँ, स्विगी में डिलीवरी पार्टनर हूँ, लेकिन सर मैं तैयारी भी करता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस एक चीज़ की सलाह लेनी थी, मैं थोड़ा सा भटका हुआ हूँ, मुझे SSC की तैयारी करनी चाहिए, लॉ की, बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब तैयारी शुरू किया था और आपने जब इंस्पेक्टर बने थे, तो फिर आप टीचिंग में आए तो क्यों आए, मतलब कुछ तो सोच के इंस्पेक्टर बने होंगे। एक छोटा सा ही सिंपल था यार, हम जब मिडिल क्लास से मेरे भाई आते हैं तो उतना बड़ा सपना नहीं रहता है हमारा कि इतना जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे मन में बस इतना था कि मेरे माँ बाप के ऊपर 10-15 लाख रुपए का कर्जा है, जो उन्होंने मुझे पढ़ाते वक्त लिया था, मेरे भाई बहन को पढ़ाते वक्त लिया था, उसके बाद अपनी बहन की शादी करनी है, उसके बाद अपनी शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, और एक 10-12 हज़ार रुपये का फ्लैट ले लेना है किराए पर, ताकि अपने माँ बाप को गाँव से लाकर शहर में थोड़ी सी बची जो उनकी ज़िंदगी है वो थोड़ा हम अच्छा उनको जीने के लिए दे पाएँ। बस इतनी ही मन में ख्वाहिश होती थी, ठीक है। उसी के लिए दिन रात की वो मेहनत होती थी, दिन रात की वो तपस्या होती थी कि हाँ यार वो तो अपना जो जीवन है वो मतलब पिछले 10 साल 15 साल वो तो शायद जी नहीं पाए, उन्होंने सारी की सारी मेहनत मेरे अंदर झोंक दी कि मेरा बेटा कामयाब बनेगा, मेरा लड़का कामयाब बनेगा, और अगर उस चीज़ को भी मैं लाइब्रेरी में टाइम वेस्ट करके करूँ, इधर उधर घूमने में करूँ, शॉपिंग करने में करूँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी जो है मेरे भाई मूर्खता होगी, ठीक है। शायद मेरे माँ बाप के परवरिश में खोट रहा होगा जो मैं ऐसा बन गया। तो अगर भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंखें सब कुछ दिया, सही सलामत दिया है, तो आप ही मेहनत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मेहनत करो, अपने माँ बाप की उस मेहनत को समझो और उसको यूटिलाइज करके जीवन में आगे बढ़ो। दुनिया में कोई चीज़ ना पॉसिबल नहीं है, बस मेहनत करने वाला चाहिए, आगे बढ़ने वाला चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। मेरा एक रूल रहता है, एक टीचर का भी, एक एजुकेटर का भी, एक मेंटोर का भी, एक मोटिवेशन का भी, हर तरीके से मैं 2 सवाल कम कराना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर मेरे शब्द आपको ज़िंदगी में पढ़ने पर मजबूर कर दें मेरे भाई, तो मैं वो ज़्यादा बेहतर समझूंगा। आते तो हर है यार, हर कोई पढ़ाता ही पढ़ाता है, बट नर्व्स को कौन समझता है, बच्चों के दर्द को कौन समझता है, और उस पर काम कौन करता है, बहुत कम लोग।
मेरा बस इतना रोल है कि भाई देखो नॉलेज मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तभी 7,000 बच्चे लाइव वॉचिंग है, वो पढ़ाने के ऊपर है, ठीक है। और मोटिवेशन के माध्यम से और भी चीज़ों के माध्यम से अगर आप ज़िंदगी में थोड़ी दिशा बदल लेते हैं और बेहतर चले जाते हैं, तो शायद मैं खुशनसीब मानूंगा वहाँ पर कि मेरी किसी शब्द ने आपको पढ़ने पर मजबूर किया है।